नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 में भूगोल में ज्योग्राफी में अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। इसके पहले हम लोग अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया पढ़ रहे थे और इन प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या व्यवस्थाएं थी शुरुआत में और कैसे चलवासी पशुचारण था, पशुचारण का काम किया जाता था, इस सब के बारे में और वाणिज्य पशुपालन ये भी हम लोग ने देखा था। इसके बाद अब हम लोग आज अपने जिस टॉपिक की बात करेंगे उसमें है आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब ये आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा कि निर्वाह कृषि क्या होती है, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कि कृषि दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी ये दो प्रकार की होती है, उसमें जो है आपकी निर्वाह कृषि और दूसरी व्यापारिक कृषि। तो अब निर्वाह कृषि का मतलब कि जिस कृषि का प्रारंभ किया गया, प्रारंभ में मनुष्य ने जब कृषि कार्य किया तो परिवार में निर्वहन का आधार बन गया, क्योंकि परिवार भी चलाना था, उसको भोजन व्यवस्था भी करनी थी। तो शुरुआत में जो व्यवस्था चली उसको हम लोग आदिकालीन निर्वाह कृषि ही कह सके। इसमें कोई व्यापारिक यहाँ पे मतलब नहीं था, ना ही फसल के व्यापार से है, ना इसके व्यापारिक उत्पादन से था, ठीक है, क्योंकि कृषि दो प्रकार की है, एक निर्वाह कृषि होती है और दूसरी व्यापारिक कृषि होती है। तो निर्वाह कृषि का मतलब प्रारंभ से ही, जब से खेती का कार्य प्रारंभ किया गया तो उस समय से ही व्यक्ति अपने परिवार की गुजर बसर के लिए उसने प्रारंभ किया कृषि कार्य करना। और ये कृषि कहाँ कहाँ विकसित हो गई, अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका विस्तार तेजी के साथ हो गया। अब ये जो मानचित्र आपका सामने आ रहा है, इस मानचित्र में शो कर रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है ये आदिकालीन जो निर्वाह कृषि हो रही थी ये किन किन क्षेत्र में हो रही थी। तो यदि यहाँ पे एक पहला हिस्सा हम लोग देखते हैं तो ये अफ्रीका का हिस्सा, ये अमेरिका का हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका का जो रूप है। और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हमको दिख रहा है ये अफ्रीका का पार्ट दिख रहा है, और इसके अलावा ये पूर्वी एशिया में कुछ हिस्से हैं, इसके अलावा जो पूर्वी द्वीप समूह है इन क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा क्षेत्र मिल रहा है जहाँ पे शुरुआत से ही आदिकालीन निर्वाह कृषि हो रही थी। इस मानचित्र को आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे मैप भी आपको फिल करने के लिए आता है, तो अभी से आपको उसकी जानकारी बनी रहेगी। इसके बाद और आगे देखते हैं तो अब इन क्षेत्रों में जहाँ पे आदिकालीन निर्वाह कृषि होती थी उन क्षेत्रों में क्या क्या प्रोसेस होती थी कि वृक्षों को जला करके उसकी राख से भूमि को उर्वर बनाया जाता था, और इसको क्या कहते थे, स्थानांतरित दहन और कर्तन कृषि कहते थे। सबसे पहले जंगलों को ये तो काट दिया जाता था, ये जला दिया जाता था और फिर जमीन साफ करके खेती की जाती थी। और इस खेती करने की जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था को भारत में क्या कहते थे, झूमिंग कृषि कहते थे, झूम कृषि कहा जाता है। ठीक इसी तरह अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा कृषि कहा जाता है, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग कृषि कहा जाता है। तो इस तरह जो है यही जो आदिवासी आपकी जो है पुरानी जो पारिवारिक पेट भरण वाली निर्वाह कृषि चल रही थी इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना गया। अब इसमें जो प्रोसेस इन्होंने बताई है कि इसके लिए भूमि के जो वृक्षों को जला दिया जाता था तो जमीन मिल जाती थी। इसके बाद जो कृषि करते करते कुछ हिस्सा होता था कि अनुपजाऊ हो जाता था तो वो नई भूमि के लिए फिर से वृक्षों को काटा जाता था, जलाया जाता था। फिर इस खेती के लिए प्रयुक्त जो खेत होते थे उनका आकार छोटा हुआ करता था, तो इससे पुराने औजारों से, छोटे औजारों से खेती कार्य किया जाता था। साथ में भूमि की उर्वरता जैसे ही घट जाती थी तो झूम चक्र का सहारा लिया जाता था। झूम चक्र का सहारा का मतलब नई कृषि भूमि विकसित की जाती थी, और इसके लिए फिर वही व्यवस्था है कि वृक्षों को जला करके, वृक्षों को काट करके भूमि प्राप्त की जानी है।
अब ये सब प्रक्रिया तो इतनी तेजी से चल रही थी, तो क्या हुआ, वनों का विनाश शुरू हो गया, पर्यावरण प्रदूषण फैलने लगा, और फिर धीरे धीरे अब इस झूम कृषि का प्रचलन भी समाप्त हो गया, और इसकी जगह स्थान ले लिया किसने, सघन जनसंख्या वाले देशों में गहन निर्वाह कृषि शुरू हो गई अब इसकी जगह। अब ये गहन निर्वाह कृषि क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, अब इसमें जो खेती होती थी उसमें सघन जनसंख्या, जहां पे जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती थी वहां पे अधिक चावल उगाने के लिए ये प्रयोग की जाती थी, और इसमें छोटे छोटे खेतों में कृषक का पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा होता था। अक्सर हम अपने क्षेत्रों में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी देखते हैं कि जिनके घर में खेती का कार्य, कृषि का कार्य होता है, उनका पूरा परिवार मिल करके ही कृषि का कार्य देखता है। अब आजकल धान लगाने का काम भी चल रहा है, जो फसल चल रही है इसमें धान की बेड़ बोई जा रही है, और फसल इसमें अब धान की रोपाई चल रही है, तो परिवार के परिवार पूरे जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके बाद और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें अब यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यंत्रों का यहाँ पे उपयोग ही नहीं होगा, बस रोपण का काम जो भी है, अब इस रोपण के काम में सीधे सीधे मानव श्रम की का उपयोग किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, कृषि में जो प्रति इकाई अधिक उत्पादन किया जाता है, कृषक के हिसाब से ये कम होता है, किसान के हिसाब से ये कम होता है, क्योंकि हाथों से ही काम होता है, मशीनों से काम नहीं होता। और दूसरी कंडीशन आती है चावल रहित, जहां पे चावल की पैदावार नहीं की जाती है वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और ऐसे क्षेत्रों में एशिया में गेहूं, सोयाबीन, जौ, है ना, ये सभी अनाज उगाए जाते हैं। चीन, कोरिया, जापान, भारत में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब भारत में चावल रहित भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और चावल वाली भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और उसमें कृषि में सिंचाई करके फसल उगाई जाती है। इसी तरह यहाँ पे इसमें मानचित्र भी दिया गया है गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र का, और खास करके जो हाईलाइट क्षेत्र आपको दिख रहा है, आप इसमें गौर करिए, जो हाईलाइट क्षेत्र दिख रहा है उस हाईलाइट क्षेत्र में ये अपना एशिया में जो भारत देश है, मुख्य रूप से पूर्वी एशिया का क्षेत्र है आपका, और पूर्वी जो द्वीप समूह वगैरह का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपकी गहन निर्वाह कृषि होती है। तो इसको भी आप अलग से एक मानचित्र में शो करके इसको बना लीजिएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने दो बातें पढ़ी, चावल सहित और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि भी पढ़ी, और इसके अलावा और क्या पढ़ा, आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में आज हम लोग ने जानकारी ली। इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग कुछ नई बातों के बारे में फिर देखेंगे, समझेंगे, और तब तक इसके नोट्स आप क्लियर करके प्रॉपर चेक करा लीजिएगा, फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।